तो देखो बच्चों ये आपका आ गया डेल फाई अपान एक्स। वैसे आप बच्चों देखो हमने क्या किया, हमने डीएल साइन थीटा का मान रख दिया ईजी, और ईजी का मान कितना बच्चों यक्स डेल फाई, एक्स कैंसिल हो गया डेल फाई अपान एक्स आ गया। अब बच्चों देखो ये जो यक्स है आपका इसका कितना मान है, देखो बच्चों आपने क्या मान सोचा कि दूरी आर है बच्चों, फिर से मेरा फिगर आपको देखो कि ये एंगल बच्चों था डी फाई, देखो ये एंगल आपका फाइव टू था, ये एंगल फाइव वन था, ये एंगल डेल फाइव था, और बात करें अगर हम बीच वाले एंगल की तो फिर इस एंगल को अगर हम फाइव मान लें सिंपल, देखो बच्चों ये कितना आ जाएगा आपका, कास फाइव बेस अपान हाइपोटेन्यूस आर अपान यक्स, मतलब जहां बच्चों लिखा हुआ है यक्स वहां लिख सकते हो आर अपान कास फाई, तो यहां बच्चों लिख सकते हैं हम आर अपान कास फाई, ठीक है बच्चों। तो अब देखो ये कितना आ जाएगा, बच्चों देखो ये आ गया म्यू नॉट आई अपन फोर पाई कास फाई डेल फाई अपन आर, ठीक बच्चों ये कैसे आया, ये बहुत छोटे से पार्ट के लिए आया है ईएफ के लिए, और हमको चाहिए पूरे तार के लिए सीधी के लिए चाहिए, बच्चों अगर इसी को हम इंटीग्रेट कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या तरीका अपनाया, हमने एक छोटे से पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया और उसी पार्ट को पूरा इंटीग्रेट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया बच्चों। तो देखो फिर आगे करते हैं बच्चों, ध्यान दो देखो बच्चों हमने क्या देखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी डी पूरे वायर का, तो बी बच्चों कितना इंटीग्रेशन आप बी बी सी से बी तक, और जो देखो सी वन क्या है एंगल फाइव और डी क्या है बच्चों एंगल फाइव टू, और जो देखो हमने फाइव वन को लिया निगेटिव में चूंकि वो नीचे की तरफ है ध्यान से देखो, और डी ऊपर की तरफ है, ठीक है बच्चों डायरेक्शन चेंज एंगल को निगेटिव में लिया, बस अब मान रखो आंसर आ जाएगा, ठीक है बी इक्वल टू देखो बच्चों ये हमने मान रखा तो ये पूरा कांस्टेंट बाहर निकाल लिया म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर, ठीक बच्चों कास फाई को अपना तरफ दिया, अब आप जानते हो कास का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन फाई होता है, तो लिख दो साइन फाई, बच्चों लिमिट कहां फाइव वन से लेकर फाइव टू तक लिमिट का मान रख दो, अब ये चीज देखो बच्चों की हमने लिखा है म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर साइन फाइव टू माइनस साइन फाइव वन, तो बच्चों फाइव वन निगेटिव में तो निगेटिव निगेटिव प्लस हो जाएगा, तो जाएगा साइन फाइव टू प्लस साइन फाइव वन, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है तो मैं इसको इधर लिखता हूं, ठीक है जान लो आप लोग, तो देखो बच्चों ये माइनस प्लस हो गया तो म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर साइन फाइव प्लस साइन फाइव टू, तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी वायर, कोई वायर है बच्चों उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना हो किसी पॉइंट पे तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया, ठीक है ये बायो सावर्ट लॉ से आया है, इसको आप लोग एक बार लिख के अभ्यास कर लो, वीडियो को एक दो बार देख लेना, दो बार देखना थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कठिन होगा तो बताएंगे, ठीक है बच्चों।